गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं चल रही हूँ हरितालिका का पूजा करने। तो ये देखिए आज मैंने साड़ी पहन रखी है और मैं रेड वाली साड़ी पहनी हूँ। ये देखिए कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं जहाँ पर मैं करूँगी पूजा। तो ये देखिए पूजा करने के लिए यहाँ पे हमने शंकर भगवान की और गणेश भगवान की और पार्वती जी की मूर्ति रखी हुई है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ और जैसे मैं पूजा करती हूँ आप लोगों को शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो। और ऐसे ही आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं पूजा करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा काम था। आज गुजिया बनाना था तो गुजिया बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया है, और इसके बाद मैं खाना बना के खाली हो गई हूँ। तो अब बस मुझे पूजा करना है, पूजा करने के बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने शंकर भगवान की और गणेश भगवान की और गौरी माता की सब मूर्ति रखी हूँ, और यहीं पर मैं हरितालिका की पूजा करूँगी। और ये देखिए हरितालिका व्रत की जो है कि ये कथा का किताब है, और इधर मैंने दीपक और ये जिसमें अगरबत्ती रख खोसा जाता है वो रखी हूँ, और यहाँ पे मैं गंगा जल और ये कुछ मिष्ठान ली हूँ, और हल्दी है, और यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं देखिए जो पूजा में लगता है। तो दोस्तों पूजा करने के लिए यहाँ पे हमने सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। तो सामानों में मैंने यहाँ पे फल लिया हुआ है, ये 5 प्रकार का फल है, और कुछ मिठाइयाँ हैं। ये देखिए हमने सिंघाड़े का आटा का हलवा बनाया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे सिंगार का सामान है और चुनरी है, और इसके बाद माला और फूल है, और यहाँ पे हमने नारियल लिया हुआ है, और यहाँ पर है चंदन है, रोरी है, कपूर, अगरबत्ती, ये सब जो भी सामान लगता है पूजा करने में वो सब सामान ली हूँ। तो चलिए अब जो है कि पहले शुद्धिकरण करते हैं। तो चलिए पहले भगवान जी को शुद्धिकरण कर लेते हैं। ये मैंने गंगा जल लिया हुआ है। तो मैंने भगवान जी को पवित्र कर दिया है, और मैं खुद ही शुद्ध हो जाती हूँ, मैं खुद ही गंगा जल छिड़क लेती हूँ। तो मैंने गंगा जल से शुद्धिकरण कर रखा है। अब चलिए जो है कि अष्टकमल दल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ले रखा है, और यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो पहले चावल से अष्टकमल दल बना लेते हैं। अष्टकमल दल बनाने के लिए हमने चावल रख दिया है, बना लेते हैं कमल के आकार का। ये इस तरह से बना लेते हैं, हमने बना लिया है। अब चलिए कलश की स्थापना करते हैं। पहले तो ये जो कलश है इसमें हम ये रक्षा है इसे लपेट देते हैं इस तरफ से, और इसके बाद जो है कि अब इसको यहाँ पे रखते हैं और इसमें डालते हैं गंगा जल। अब हम इसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, अब हम इस पर ये रख देते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद कलश पर दीपक जला देती हूँ। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले कलश की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, इसके बाद कलश की पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी की और गौरी माता की पूजा करेंगे, इसके बाद शंकर भगवान और माता पार्वती जी की पूजा करेंगे। तो पहले मैं गणेश भगवान और
शंकर भगवान को रोरी लगा देती हूँ। इसके बाद माता पार्वती और गौरी माता को सिंदूर चढ़ाती हूँ। अब हम भगवान जी को पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और दुर्वा घास चढ़ाते हैं, माता गौरी को भी पुष्प चढ़ाते हैं और शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे और वाइट फूल चढ़ाएंगे और माता पार्वती जी को रेड फूल चढ़ाएंगे और भोग लगाते हैं नारियल से और माता पार्वती जी को मिष्ठान से भोग लगाते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। अब गणेश भगवान और लक्ष्मी माता जी को भोग लगाते हैं, फल चढ़ाते हैं और लक्ष्मी माता जी को केला चढ़ाते हैं और इधर भी फल चढ़ाते हैं शंकर भगवान जी को और माता पार्वती को फल चढ़ाते हैं और कलश को भी फल चढ़ाते हैं। अब हम आरती के लिए दीपक तैयार करते हैं, तो यहाँ पे कपूर जलाए हुए हैं और घी का दिया जलाते हैं। सबसे पहले मैं गणेश भगवान जी की आरती करूँगी, इसके बाद शंकर भगवान जी की आरती करूँगी, माता पार्वती जी की आरती करूँगी और लक्ष्मी माता जी की आरती करूँगी। तो दोस्तों, ये हमारी भाभी हैं, तो हम और हमारी भाभी दोनों लोग मिलकर साथ में पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद ये जो हरितालिका व्रत की किताब है, जो कथा की, ये कथा पढ़ते हैं। हरितालिका व्रत की पूजा हमारी यहीं पे संपन्न होती है। सबसे लास्ट में भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा, हमारे पति की रक्षा करिएगा और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करिएगा। बस यहीं पे हमारी पूजा संपन्न होती है। तो फाइनली मनीषा जी, तीज का व्रत का आपका पूजा जो कि पूरा हो गया जी, हो गया। आप वही का वेट कर रहे थे, भैया आप पानी पिलाइए। अच्छा जी जी, आराम से। आप अभी को पानी पी रहे हैं? सुबह से अभी तक पानी? हाँ। नीरा जल व्रत थी? पूजा करने के बाद ही किया जाता है ना। अच्छा, तीज में भी ऐसा होता है? हमको लगा वो करवा चौथ में क्यों ऐसा होता है। तो यार आपने बहुत कठिन तपस्या की आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक दिन हम भी आपके लिए व्रत रहेंगे, बता दीजिएगा हमको कौन सा व्रत हम लोग रहते हैं रहेंगे। आप नहीं रह पाएंगे हम लोग के लिए? नहीं, कोई व्रत है? नहीं, कोई व्रत नहीं है आदमी के लिए, कोई व्रत नहीं है। लग रहा भगवान जी जानते हैं कि हम लोग नहीं रह पाएंगे इसीलिए, लेकिन हम रह जाएंगे। अभी आपने पूजा तो संपन्न कर ली और अभी तो रात को 8:30 बज रहा है। ये देखिए दोस्तों, मेरा भी खाना लग गया है और आज के मेरे खाने में क्या है, खिचड़ी और ये सलाद है। खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है और गुजिया भी है। अभी लाई नहीं हूँ, हलवा भी है आपके लिए भी। अच्छा, आज गुजिया भी बना है ना, हलवा भी। अच्छा, आप आराम से खाना खा लीजिए, धीरे धीरे। फल वल भी देखिए होगा ना, आप खा लीजिएगा। और इधर क्या बनाई है? ये खा के पानी पी लेती हूं, इसके बाद खाऊंगी। ये क्या अच्छा हलवा बनाई है, सिंघाड़े का? चलिए, बहुत अच्छा। और आप अपने सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहेंगी? सब्सक्राइबर से यही कहना चाहेंगे कि आज का हमारा ये ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। वैसे आप आज बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल लग रही हैं आज। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपको बुलवाएंगे नहीं, आप आराम से खाना खाइए।